गुड इवनिंग, विद्या भारती काशी प्रांत के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो पार्टिकल्स होती हैं, सिस्टम जो होता है वो कैसे मोशन में आता है। उसके पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट है, मैं कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करूंगा और उसके बाद हम फिर प्रॉब्लम्स को देखेंगे। जैसे देखिए, हमारे पास बेसिक जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बेसिक में जा रहा हूँ मैं। वेक्टर और स्केलर दो टर्म है जो आपने पढ़ा होगा। क्या होता है वेक्टर, क्या होता है स्केलर? तो सिंपली, जब आपके पास एक मैग्नीट्यूड है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल मेजरमेंट का, ठीक है, केवल आपके पास मैग्नीट्यूड है तो उसको स्केलर बोलते हैं। लेकिन इस मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी आ गया तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 2 न्यूटन, तो जब ये मैं बोलूंगा कि मैं 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये आधा अधूरा वर्ड है। बिकॉज आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है इंपॉर्टेंट हो जाता है बताना। लेकिन अगर मैं आपको समय बताऊं, हाफ एन आवर, तो इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको वेट बताऊं 20 kg, इसके लिए ये मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं फोर्स बताऊंगा 2 न्यूटन, तो किधर बताना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि 2 न्यूटन आगे की तरफ लगेगा, 2 न्यूटन पीछे की तरफ लगेगा, 2 न्यूटन बाएं लगेगा कि 2 न्यूटन दाएं लगेगा। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, उनको हम वेक्टर कहते हैं। जिनमें वेक्टर साइन लगाते हैं, जैसे हमारा फोर्स हुआ, ठीक है। और जिन क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम स्केलर बोलते हैं। अब देखिए, स्केलर तो ठीक है, इसका मतलब है कि वेक्टर में दोनों पार्ट आएगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड पार्ट भी आ गया, दैट इज इटसेल्फ अ स्केलर और आपका डायरेक्शन। अब देखिए, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज है तो उनका आप एडिशन कैसे करेंगे? क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड होता तो आप एडिशन कर देते, लेकिन डायरेक्शन के साथ एडिशन करना है। तो आपको मैं बेसिक इसके साथ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। जैसे मेरे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, ठीक है। अब ये दोनों खुद भी वेक्टर है, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये देखिए मेरा वेक्टर ए है, जब मैं इसको लिख रहा हूँ वेक्टर ए, इसका मतलब है ये इसका एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा, और इसका डायरेक्शन ये आपका हेड डिसाइड करता है, एरो डिसाइड करता है। मेरे पास दूसरा वेक्टर है, ठीक है, वो है आपका ये, रुक जाइए, मेरे पास दूसरा वेक्टर है और वो है देखिए ये बी। तो बी का देखिए मैग्नीट्यूड है, मैं थोड़ा सा इसको भी और क्लियर कर दूं, ये देखिए मेरा वेक्टर है बी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस वेक्टर को डायरेक्शन तो उसका अलग है, मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में मैंने दिखाया कि इसका मुझे लगता है कि चौथाई पार्ट है, अगर आप कैलकुलेशन से करें तो, या तो 1/3 पार्ट है, ठीक है। तो जो जिसका मान लीजिए आप इस मैग्नीट्यूड से आप दिखा रहे हैं, यहां से यहां बता रहे हैं ये 30 मीटर है, तो उसी के रेशियो में ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा ये मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आपका ये है। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स का समझ, मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर सी, और ये कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का समेशन है। क्या मतलब हुआ, जब भी आप दो वेक्टर का समेशन करते हैं ना, तो हमेशा दूसरा वेक्टर पहले, पहला वेक्टर ड्रा कर दीजिए और दूसरा वेक्टर का जो टेल होगा वो पहले वेक्टर के हेड पे रखिए, ठीक है। अब गलती हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है और हमको रिजल्ट समेशन निकालना है या इसका सम निकालना है, तो उसमें रिजल्टेंट निकालना, तो हम करते क्या है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी को इसी के आगे से खींच देते हैं, जो भी यहाँ वेक्टर बी, ये गलत हो जाता है। आपको करना क्या है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी जब आप इसको ऐड करें तो वेक्टर बी को पैरेलल ही उठाइए, मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, पैरेलल में ही,
देखिए ये इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, पैरेलल में ये पोर्शन, और फिर इसको उठा के यहाँ पैरेलल में जाए तो बी के ए के ऊपर, ए के हेड के ऊपर बी का टेल आएगा। ये ए है और ये बी हो गया, ये कोई चेंज नहीं हुआ, ये दोनों पैरेलल हैं, बी वेक्टर बी यहाँ और वेक्टर बी यहाँ पैरेलल हैं। तो वेक्टर बी को मैंने क्या किया, वेक्टर बी का टेल को वेक्टर ए के हेड पर रख दिया, और अब पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक ड्रा कर दिए, मिला दिए, ये रिजल्टेंट सी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आपने कहा सर वेक्टर सी तो वेक्टर है, तो वेक्टर का भाई मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड पता करने डायरेक्शन तो मुझे दिख गया कि वेक्टर सी कहाँ है भैया, ये आपका अगर ये अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कुछ एंगल थीटा बना रहा है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए होता है सी इक्वल टू अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर, मॉड जैसे हम कहते हैं इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, प्लस मॉड बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, प्लस टू ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है इसमें, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ध्यान देने की चीज है, जब हम थीटा कहते हैं कि थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, अब कई बार गलती ये होता है कि दो वेक्टर से उनके बीच को जब थीटा कहते हैं, ये थीटा नहीं है, थीटा ये नहीं, थीटा क्या हो, ए और बी के बीच जो एंगल होगा वो थीटा हो, वेक्टर ए और बी के बीच जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो ये तो सी का मैग्नीट्यूड पता चल गया, और मैंने कहा कि डायरेक्शन भाई इसका कहाँ है, कुछ हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा होगा, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से एंगल मान लीजिए सी अल्फा बना रहा है, ठीक है, तो टेन अल्फा विल बी मॉड बी अपॉन मॉड ए, ये रिजल्टेंट आपका क्लियर होगा। सी के बारे में पूरा आइडिया मिल गया, सी का मैग्नीट्यूड मिल गया, सी का डायरेक्शन मिल गया। अब इसको मैं सिंपल बेसिक प्रॉब्लम से आपको समझा रहा हूँ, मेरे पास मान लीजिए कि कुछ फोर्सेस हैं, ठीक है, एक बॉडी है और इस बॉडी पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, इस बॉडी पर एक फोर्स आपका F1 है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इसका 2 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, एक फोर्स है इसी बॉडी पे, ठीक है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हमने F2 कहा, वो भी 2 न्यूटन है, एक और फोर्स है जो 45 डिग्री पर लग रहा है, F3 है। अब चूंकि ये फोर्स है 45 डिग्री कहाँ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मान लीजिए इसको भी मैंने मैग्नीट्यूड कर दिया 2 न्यूटन में, लेकिन कहा ना कि जब आप वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा डायरेक्शन, डायरेक्शन मैंने कहा 45 डिग्री, ये भी अधूरा है, किसके साथ 45 डिग्री, तो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, जो भी एंगल आप लेना है तो आपको बताना पड़ेगा किसके साथ, तो हमने बताया कि वर्टिकल के साथ, तो क्लियर हो गया, मान लीजिए 30 अभी 45 पे तो आपको लग रहा है दोनों 45 पे तो चल जाता, लेकिन अगर मैं 30 डिग्री बोलता तो तब वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे इसको शिफ्ट करना पड़ता। चलिए मेरे पास एक और फोर्स है जो डाउनवर्ड लग रहा है इसी बॉडी पे, अब देखिए कई सारे फोर्सेज है इस बॉडी पे, वो आप मान लीजिए F4 है, ये भी 2 न्यूटन का है, डायरेक्शन चूंकि डाउनवर्ड बता दिए तो कोई समस्या है नहीं, मेरे पास एक फोर्स लग रहा है ये F5 है, ये भी 2 न्यूटन का है, और ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, अब बता रहा है वर्टिकल से थीटा एंगल भी आधी अधूरी जानकारी है, वर्टिकल से सॉरी 45 डिग्री, वर्टिकल से 45 डिग्री ऊपर भी हो सकता है नीचे, आपको बताना पड़ेगा डाउनवर्ड, ये आपको बताना पड़ेगा क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये आपका 45 डिग्री, हमने बताया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अब तब मैं आपसे कहूं कि नेट फोर्स इस बॉडी पर कितना लग रहा है, तो अभी आप कहेंगे सर आपने दो फोर्सेस का रिजल्टेंट सम बताया, इतने सारे फोर्सेस आ गए, तो लास्ट कॉन्सेप्ट वही होता है दो फोर्सेस का ही, तो बॉडी पर जितने भी फोर्स लग जाए, इनफाइनाइट फोर्सेस पर लग रहे हो, आपको करना क्या है, उन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, किसमें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में, कोई भी फोर्स बॉडी पर लग रहा हो, बेस थंब रूल है याद रखिएगा, बॉडी पर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स लग रहा हो उसको आपको रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में।
आप कैसे रिजॉल्व करते हैं ये सीख लीजिए अलग से। मान लीजिए बॉडी पे ये बॉडी है, ठीक है, और बॉडी पे फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, जिसको हमने कहा 2 न्यूटन, या अभी छोड़िए F1 ही है, ठीक है, और वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर है। वो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे। अब इस फोर्स को मैंने क्या कहा आपको रिजॉल्व करना है टू कंपोनेंट में, कौन से दो कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ और ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। अब मुझे इस फोर्स F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इस फोर्स का वो होगा F1 cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा F1 sin थीटा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब मैं F1 cos थीटा कह रहा हूं तब तो आपको अभी आदत हो जाएगी, हमेशा हॉरिजॉन्टल को आप F1 cos थीटा लेंगे। लेकिन अब अगर मैं क्या कहूं, मैं आपसे कह दूं, एक मिनट छोड़िए, मैं ऐसा, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को F1 cos थीटा हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट को हम F1 sin थीटा कहते हैं, मतलब जो वर्टिकल में होगा उसको sin एंगल sin दे देते हैं। तो इस तरीके से आप उसको किसी फोर्स को रिजॉल्व कर लिए। अच्छा अब मैं इसी को बदल रहा हूं, देख लीजिए कि मान लीजिए फोर्स है, ठीक है, और इस फोर्स F1 पर, इसी फोर्स पर एक F1 फोर्स लग रहा है और वर्टिकल से इसका एंगल है थीटा, क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट? क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F1 cos थीटा? नहीं, अब बदल जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये ध्यान देने की बात है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूं, जिस कंपोनेंट से, जिस एक्सेस से फोर्स अटैच होता है उसको हम कास कंपोनेंट देते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस से थीटा अटैच है, फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेस से अटैच है थीटा के थ्रू, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कास कर दिए और वर्टिकल कंपोनेंट को साइन बोल दिए। यहाँ फोर्स किससे अटैच है? वर्टिकल कंपोनेंट से अटैच है, तो ये हो जाएगा कास F1 cos थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा F1 sin थीटा, कहलाएगा ये अभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कहलाएगा ये अभी भी वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन वैल्यूज बदल, फोर्सेस के जो रिजल्ट वैल्यू है बदल जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टर्म देखिए समझ लीजिए, यहां से ये डिपेंड किया थीटा, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये अभी, ये भी है अभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन में है, ये अभी भी है वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट दोनों होंगे क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, लेकिन इनकी वैल्यू बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि थीटा के कारण, डायरेक्शन के कारण। तो आप कैसे रिजल्ट वैल्यूज निकालेंगे? फोर्स जिस एक्सेस के साथ अटैच होगा उसको आप कास वैल्यू दे देंगे और जिसके साथ नहीं अटैच होगा उसको साइन वैल्यू दे देंगे, और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहलाएगा, ये हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन कहलाएगा। तो पहला काम, कितने भी तरह के फोर्स आपके सिस्टम पर लगाए गए हो, आप उन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड या वर्टिकल डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा थीटा पर, कि फोर्स जो है किस एक्सेस से अटैच है थीटा के रूप में। तो पहला काम हमारा यही करना है, तो हम इस फोर्सेस के लिए करेंगे, मैं बाकी चीजें। ओके अब हम जो फोर्सेस हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये फोर्स है जो ऑटोमेटिक रिजॉल्व है क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भर है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को आपको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप एंगल फोर्सेस को ही रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट जो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में है तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल में इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये फोर्स वर्टिकल में है इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये फोर्स वर्टिकल में है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जो फोर्सेस हैं जो एंगल एंगल फोर्स है जो किसी थीटा बन एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस से, तो इन फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे। हम फोर्स F3 को रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। F3 देखिए ये है F3 और ये बॉडी है, उसको हम पॉइंट मास मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि बॉडी जो है वो पॉइंट मास है, ठीक है।
ओके अब ये फोर्स हमारा एफ थ्री है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए थीटा किसके साथ अटैच है, ये है थीटा, ठीक है, ये 45 डिग्री। अब जब आप वैल्यू निकालेंगे तो मैंने आपको बताया कि जिसके साथ अटैच होगा उसको cos दे देंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ थ्री cos 45, लेकिन है ये वर्टिकल कंपोनेंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ थ्री साइन 45। अब जो ये एफ थ्री फोर्स है वो इन दो पार्ट्स में रिजॉल्व हो गया, एफ थ्री साइन 45, एफ थ्री cos 45। एफ थ्री साइन 45 क्या है, हॉरिजॉन्टल में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, F3 cos 45 क्या है, वर्टिकल में अपवर्ड है, तो ये दो फोर्सेस बॉडी पर लग जाएंगे। तो देखिए लगा दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है तो मैंने यहाँ पर एक नया फोर्स ऐड कर दिया, सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड हो जाता है F3 sin 45, और यहाँ वर्टिकल में अपवर्ड है तो यहाँ ऐड हो गया F3 cos 45, और ये किसकी जगह पर आया, F3 की जगह पर आया, तो F3 को अब हम हटा देंगे, अब ये खत्म हो गया। इस फोर्स की जगह हमने दो नए फोर्सेस पा गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। सिमिलर काम हम इसके लिए भी करेंगे, F5 के लिए, ये फोर्स F5 है और ये आपका 2 न्यूटन का ये भी है। देखिए F5 के लिए करें, ये F5 है, एंगल आपका यहाँ से दिया है थीटा, दैट इज 45, एक टर्म ये होगा और एक टर्म आपका ये होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा मैंने ये से कैसे लिखे, देखिए ये फोर्सेस है तो फोर्स वर्टिकल में ऐसे घुमा तो इसका इसका अभी भी जो एरो है इधर रहेगा, एरो के हिसाब से अगर आप बात करें, देखिए अगर आप टिप के हिसाब से बात करें तो ये इधर वर्टिकल में आया डाउनवर्ड तो एरो नीचे इधर हो गया, और हॉरिजॉन्टल में गया तो देखिए एरो इधर हो गया, तो एरो का डायरेक्शन आपको मूवमेंट से दिखाई दिया। अब वैल्यू निकालेंगे हम, क्योंकि थीटा इसके अटैच है तो ये हो जाएगा F5 cos 45 और ये हो जाएगा F5 sin 45। अब देखिए ये अभी भी कहलाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट और ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब दोबारा इसकी जगह पर रख दे तो पहले तो F5 को हटा दे क्योंकि इसकी जगह पर हम रख ही रहे हैं, यहां पर हमने फोर्स लिखा, एक मिनट, तो हमने यहां पर फोर्स आया इसी डायरेक्शन में नीचे था तो हमने एक नया फोर्स यहाँ पर लिख दिया F5 cos 45 और यहाँ जो है इस साइड में फोर्स आ गया वह आपका F5 sin 45। अब देखिए ये टोटल फोर्सेज हो गए इस बॉडी पे, ठीक है, इस बॉडी पर टोटल, देखिए कोई भी फोर्स अब एंगल नहीं, सब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा, ये जो आप बॉडी बनाए थे इसको हम पॉइंट मास कह देते हैं, तो पॉइंट मास जब हम कहेंगे तो बेसिकली इस बॉडी को इतना बड़ा दिखाने जब हम एक पॉइंट भर दिखाएंगे, ओ सी, इधर अंडू ऑप्शन, गुड, अब देखिए हमारा ये पॉइंट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस पर सब फोर्सेस हमारे लग रहे हैं, F2 इस एक F1 फोर्स यहाँ पर है, बेसिकली ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F1 है, ठीक है, F2 फोर्स है, F3 के दो फोर्सेस लग रहे हैं, F4 फोर्स है और F5 के दो फोर्स है। अब टोटल फोर्स हमारे इस बॉडी पर लगने वाला हमको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं,
अब हम क्या करते हैं कि हम जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेज हैं उनको अपवर्ड वर्टिकल उनको ऐड कर देते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। जितने पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल के हैं सबको ऐड कर देते हैं एक साइड में, जितने निगेटिव हॉरिजॉन्टल है एक साइड में ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसमें तो अकेला फोर्स ऐड करने की जरूरत है, इसमें दो फोर्सेज है तो ऐड करेंगे ठीक है। तो यहाँ यहाँ जो आप रिजल्टेंट निकालेंगे, मैं आप रिजल्टेंट फोर्स लिख रहा हूँ बॉडी पे कितना लगेगा। अब इस पे देखिए इस साइड में फोर्स कितना लगेगा, एफ वन दैट इज 2 न्यूटन ठीक है। अभी हम लिख देते हैं क्या, एफ वन प्लस एफ थ्री साइन 45, ये एक फोर्स लगा यहाँ पे बॉडी पे। डाउनवर्ड कितना लग रहा है, डाउनवर्ड जो फोर्स है वो है एफ फोर प्लस एफ फाइव कास 45। इधर आपका निगेटिव एक्सिस में क्या है, एफ फाइव साइन 45। वर्टिकल में क्या है, दोनों फोर्सेज जब मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ टू प्लस एफ थ्री कास 45। अब आ गया, अब देखिए आपके अब अपवर्ड डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स हो गया, रिजल्टेंट हो गया ना, क्योंकि दो फोर्सेस थे लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों को जोड़ दिया। अब केवल एक फोर्स है आपके पास एफ टू प्लस एफ थ्री कास 45 अपवर्ड डायरेक्शन में। वर्टिकली डाउनवर्ड में आपके पास एक फोर्स है एफ फोर प्लस एफ फाइव कास 45। उसी तरीके से पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स है और निगेटिव हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स है। अब क्या आप करेंगे, अब आप देखते हैं कि जो वर्टिकल है वर्टिकल अपवर्ड बड़ा ज्यादा है, बड़ा है कि डाउनवर्ड, जो बड़ा होता है उसके दूसरे साइड वाले को उसके निगेटिव मिलाकर जोड़ देते हैं। क्यों करते हैं ये समझिए, ये एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है ये बी, ये दोनों वेक्टर जो है किस तरीके से डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंट हो सकते हैं ठीक है, और जो दूसरा डिफरेंस डिफरेंस है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली 180 का चेंज है, इसका मतलब निगेटिव है। बी का जो डायरेक्शन है ए के निगेटिव में है। तो अगर आप इस वेक्टर का इस वेक्टर फोर्स वेक्टर बी को का निगेटिव वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा डायरेक्शन बदल जाएगा। तो मैं कहूं कि इस वेक्टर बी का मैं निगेटिव वेक्टर लिखना चाहता हूं तो यही वेक्टर जो लाइन है वो उल्टा हो जाएगी इधर और ये हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में से अब रिजल्टेंट हो जाएगा ए माइनस बी, ये हट जाएगा। तो यही काम यहाँ करते हैं, ये जो दो कंपोनेंट है आपका हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल का अपवर्ड और वर्टिकल का डाउनवर्ड, इसमें से किसी एक डायरेक्शन में हम जाते हैं तो दूसरे को उसका निगेटिव कर देंगे। जैसे अब इसका इस वेक्टर का हम निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा सीधा उधर चला जाएगा, या इसका निगेटिव करेंगे तो इधर आ जाएगा। अब बड़े में से छोटे को निगेटिव करते हैं, अब आप कहेंगे सर हम कौन मेजर करने जाएगा पहले, कोई जरूरत नहीं, आप गलत करेंगे तो डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाता है। जनरली थंब रूल है कि आप देख लेते हैं आपको समझ में आया था कि बड़ा कौन है, नहीं भी अगर आपको आइडिया है तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा ठीक है। क्योंकि जब आप रिजल्टेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो निगेटिव आएगा तो फिर डायरेक्शन बदल दीजिएगा, अब पास हुआ तो डायरेक्शन आपको बदलने की जरूरत नहीं है ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मैंने किया तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि चलिए ये मेरा बड़ा फोर्स होगा, मैंने मान लिया ये मेरा बड़ा फोर्स होगा इस साइड में डाउनवर्ड वाला, तो मैं क्या करूंगा अपवर्ड वाले को नीचे की तरफ लाऊंगा। तो जब मैं अपवर्ड वाले फोर्स को नीचे की तरफ लाऊंगा तो देखिए पहले से मेरा ये फोर्स है ही डाउनवर्ड वाला, डाउनवर्ड वाला फोर्स मैंने यहां लिख दिया कितना है एफ फोर प्लस एफ फाइव कास 45 ठीक है। और इस फोर्स को मैं डाउनवर्ड ला रहा हूं, जब डाउनवर्ड लाऊं तो केवल मेरा नेगेटिव डायरेक्शन मतलब केवल नेगेटिव वैल्यू आएगी डायरेक्शन चेंज करने पर ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो जब इसको डायरेक्शन आप चेंज करते हैं तो केवल नेगेटिव वैल्यूज आती है, तो अब सेम डायरेक्शन में आ गया तो माइनस एफ टू, अब ये प्लस के साथ चल रहा है माइनस, जब आप माइनस प्लस आप माइनस ठीक है सॉरी एक मिनट, हाँ अब ये पहला वाला फोर्स हो गया था, ये जो है ये फोर्सेस है ठीक है, और प्लस माइनस एफ टू डायरेक्शन बदले हैं उसका, फिर उसका भी डायरेक्शन बदले तो माइनस एफ थ्री कास 45, ये आपका नेट फोर्स हो गया नीचे की तरफ।
ठीक है, नीचे की तरफ इसको थोड़ा बहुत साल्व करेंगे आप तो इसको मैं ऐसे साल्व कर दे रहा हूँ, ये प्लस हट जाएगा, ये सब हट जाएंगे, ऐसे इसको हटा दीजिए, ऐसे इसको हटा दीजिए, ऐसे इसको हटा दीजिए, ये आ गया नेट फोर्स। मैंने क्या किया, इस फोर्स को उल्टा डायरेक्शन में ले आया था, जब उल्टा डायरेक्शन में करें तो इसको माइनस भी बोलते हैं, माइनस इसको साइन लग जाता है, सब में माइनस आ गया, आ गया। वैसे ही इन दोनों में से किसी एक साइड में ले लेंगे, तो मुझे दिख रहा है ये बड़ा है क्योंकि एफ1 है, तो इस साइड में मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया, जब इस साइड में निकाला तो वो तो उसी डायरेक्शन में, इसको तो चेंज करेंगे नहीं, F1 प्लस F3 साइन 45, और ये F4 जो है वो शिफ्ट हो रहा होगा तो निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, सॉरी नॉट F4, ये F5 साइन 45 शिफ्ट हो रहा है, तो ये माइनस F5 साइन 45। अब थोड़ा वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए सबकी चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने इसीलिए मैं आसान सा एक प्रॉब्लम हो इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड सबका सेम रखा है, तो जो F4 है वही F2 है, जो F5 है वही F3 है, तो चूंकि वैल्यू सबकी सेम है तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया, जीरो, कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है। अपवर्ड में देखिए आपका ये इससे कट गया, तो अपवर्ड में केवल आपको एक फोर्स F1 मिला, अब एक कदम और एक स्टेप और आगे जाएंगे तो डाउनवर्ड में आपको कोई फोर्स नहीं दिखा, ठीक है, बाकी सबको रिजॉल्व भी कर चुके हैं, और पॉजिटिव एक्सेस में केवल आपको एक फोर्स दिखा, कितना F1, तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगा, F1, और कितना है 2 न्यूटन, तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगा, 2 न्यूटन, किस डायरेक्शन में लगा, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव में लगा, डायरेक्शन आपको ये बता रहा है हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव, हो गया, इतना ज्यादा फोर्सेस लगे थे मैंने सॉल्व कर दिए, रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, 2 न्यूटन, दैट्स सो सिंपल। अब यहां से देखिए, अभी तो मैंने चूंकि सिंपल वैल्यूज रखे थे इसलिए यहां से आपका प्रॉब्लम तुरंत सिंपल हो गया, मान लीजिए नहीं भी ये सिंपल होता तो मैं क्या करता, मुझे एक वैल्यू यहां मिल जाती, मैं आपको एक, अब लास्ट में तो मुझे इसी दो कंपोनेंट में मैं आ गया, अब इसकी या तो एक फोर्स की एक वैल्यू हो जाती F1 हो जाता, और एक फोर्स ये F2 हो जाता, जो भी मैग्नीट्यूड आप निकाल ही लेते। अब आपके पास फिर से आप देखिए दो फोर्सेस पे आ गए, अगर दो फोर्सेस पर आप आ गए तो आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, तो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट का आपको फॉर्मूला मालूम है, R इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन F1 एंड F2, एंगल बिटवीन F1 F2 क्या है, देखिए 90, दिस एंगल इज 90, तो ये आपका टर्म खत्म हो जाएगा, इसे cos 90 जीरो हो जाएगा, तो आप R निकाल लेंगे, और रिजल्टेंट का ये तो रिजल्टेंट का केवल मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये रिजल्टेंट का केवल मैग्नीट्यूड पार्ट, अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहां से बताएंगे, तो डायरेक्शन देते हैं हम अल्फा से, अल्फा टैन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय सॉरी हाँ ये टैन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, जनरली हम F2 बाय F1 करेंगे, F1 बाय F2 करेंगे, ये भी देखिए डिसाइड करना पड़ता है, आप जो किताब में पढ़ लेते हैं वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, अब इस उसके रीजंस होते हैं, इसलिए मैं फिर यहाँ आपको थंब रूल दे रहा हूं, जैसे ही आपके पास ये इन टर्म्स ऑफ फोर्सेज ऐसे आ जाए आप इसको फिर से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर ले जाइए, जैसे देखिए F1 और F2 दिया है, मैंने आपसे कहा था जब दो वेक्टर्स का आप समेशन करेंगे तो दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर दूसरे वेक्टर का जो टेल है वो पहले वेक्टर के हेड पर है, क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है, देखिए दोनों का टेल मैच किया, तो ये जब तक आप रिजॉल्व कर रहे थे तो कोई सिस्टम कोई प्रॉब्लम नहीं होता बॉडी का, लेकिन जब आप रिजॉल्व कर लिए और आप पता चल गए दो तरह के फोर्सेज है और तब आप रिजल्टेंट निकालने जा रहे, तो जैसे रिजल्टेंट निकालने जाएंगे आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, और आप क्या करेंगे इस F2 को उठाएंगे और यहां डालेंगे, ठीक है, ये हो गया F2, ठीक है, देखिए एग्जैक्टली ये फोर्स यहां पर आ गया पैरेलल में, अब ये है आपका F1, ये है आपका F2, F2 के टेल को मैंने F1 के हेड पर रख दिया, यही मुझे सिखाया गया, अभी मैंने सिखाया आपको, और रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम द फर्स्ट टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकंड, ये रिजल्टेंट हो गया, ये मेरा R हो गया, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा R हो गया,
तो आर का मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, वैसे ही निकलेगा दोबारा एफ वन एफ टू है, तो रिजल्टेंट आप निकाल लिए, बीच का एंगल कोई बदलेगा नहीं। अब इस आर का डायरेक्शन डिसाइड करना है, और ये डायरेक्शन जो अल्फा होता है वो आप तय करते हैं, वो चाहे आप अल्फा यहां से ले लीजिए और चाहे आप अल्फा यहां से ले लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन बताना पड़ेगा कि एफ अल्फा इज फ्रॉम एफ टू और अल्फा इज फ्रॉम एफ वन, और यही जब आप किताब में पढ़ते हैं तो सिंपली एक एक डायरेक्शन एक फिगर के लिए बनाते हैं और आप वो नहीं समझ पाते कि ये हमेशा के लिए सही नहीं होगा, वो उस फिगर के लिए सही है। तो अल्फा अल्फा जो है ये डिसाइडेड हमेशा नहीं होता वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, कई जगह लिख देते हैं ऐसा नहीं होता है, अल्फा आप डिसाइड करेंगे। तो मान लीजिए देखिए मैं आपको दोनों आंसर लाके दोनों तरीके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा ये है अल्फा, तो रिजल्टेंट किससे अल्फा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट एफ वन से अल्फा एंगल बना रहा है। तो जब रिजल्टेंट एफ वन से अल्फा एंगल बनाएगा तो मैं देखो टेन अल्फा बोलूंगा, टेन अल्फा इज व्हाट, अब देखिए टेन अल्फा इज एफ टू बाई एफ वन, तो ये मेरा हो जाएगा एफ टू बाई एफ वन, एफ वन ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। और अगर मैं कहता कि नहीं अल्फा क्या है, अल्फा ये है भैया, ये है अल्फा, तो मेरा अल्फा कैसे डिफाइन होता, तब मेरा अल्फा होता टेन अल्फा इज इक्वल टू एफ वन बाई एफ टू, वैल्यू बदलता है ना, देखिए एफ टू बाई एफ वन पर टेन अल्फा दे रहा है ये। लेकिन चूंकि आप पहले ही डिसाइड कर रहे रिजल्टेंट का आपका कोई डायरेक्शन नहीं बदला, आप कह रहे हैं कि रिजल्टेंट यहां से मान लीजिए अल्फा की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तीस है, तो जाहिर सी बात है 60 ही होगा क्योंकि ऑलरेडी 90 है, तो रिजल्टेंट या तो 30 से बना एफ टू से 30 डिग्री बनाएगा, या आप कहेंगे कि आप एफ वन से 60 डिग्री बना रहे हैं, तो आप तो सही बोल रहे हैं। तो ये आप पर डिसाइड करता है कि आप अल्फा कहां से ले रहे हैं, या प्रॉब्लम में पूछा जाएगा कि आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताइए हॉरिजॉन्टल से, तो आप फिक्स हो जाएगा कि अल्फा कहां लेंगे। तो ये बेसिक प्रॉब्लम था जो आप जिसके बेस पर आप वेक्टर्स क्वांटिटीज को आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो है आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको ट्राई करिएगा। ये देखिए बहुत बेसिक एक आप कह सकते हैं कि थंब रूल टाइप का है, जिसमें आप कितने भी सिस्टम पे फोर्स लगाए जाए एट द एंड आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। और इसमें कहीं भी मैंने कोई बेसिक मतलब कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं यूज किया है, ये ध्यान रखिए, कहीं फॉर्मूला मुझे ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है, इसकी जरूरत है आपको एफ1 स्क्वायर प्लस एफ2 स्क्वायर की, ये इसी का हमने यूज किया है। और ऐसे भी दो वेक्टर्स का समेशन जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको ये दिख भी रहा है कि आप ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सिंपल सा कांसेप्ट है, थीटा ऑलरेडी 90 है। तो हमने इसमें कुछ भी ऐसी चीज यूज नहीं किया जो पहले से आपको याद रखना हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ब्रेक करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में, फिर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल निकालते हैं, रिजल्टेंट वर्टिकल निकालते हैं, और फिर उनका जो हम अंडर रूट स्क्वायर करके दोनों टर्म को जोड़ देते हैं तो हमको उसका कंपोनेंट मिल जाता है। एक और कॉन्सेप्ट मैं यहां पर अपडेट करना चाहता हूं, जब हम बॉडी पे फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि बॉडी पे फोर्स है जो उसको वर्टिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जा रहा है, फिर मैं कहूं कि मैं बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं जो उसको पीछे की तरफ ले जा रहा है, तो इसी बॉडी पर आप ऐसे फोर्स लगा दिए तो ये गलत हो गया। फोर्स भी जब आप रिप्रेजेंट वेक्टर जब आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट पार्टिकल पे तो हमेशा वो जो होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, याद रखिएगा बॉडी से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, जैसे देखिए बॉडी से आउटवर्ड आई है, बॉडी के इनवर्ड में आ रहा है। अब इसी वेक्टर को हमें डिसाइड करना है तो हम यहां से दिखाएंगे, डायरेक्शन एक ही है लेकिन ऐसे आप दिखाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे, आप हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक आगे एक और पीछे, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आपने ये लिया, बैकवर्ड के लिए यही बैकवर्ड नहीं बनाएंगे, मतलब निगेटिव डायरेक्शन के लिए फिर और उसका जो पार्टिकल का पॉइंट मास आप लिए उससे आगे बढ़ के ये डायरेक्शन दिखाएंगे बैकवर्ड। ये एक और भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां आप गलतियां कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या वेक्टर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटीज का आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है कुछ कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करता हूं। एक टर्म है आपका डिस्प्लेसमेंट और एक टर्म है आपका डिस्टेंस।
क्या दोनों में अंतर ये समझ लीजिए, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन आ गया, इसमें डायरेक्शन नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि आपका आपका स्कूल जो 5 किलोमीटर दूर है आपके घर से, तो आप स्कूल गए फिर शाम को आए, कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं था। गए और आए, 5 जाने में और 5 आने में, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो केवल मैग्नीट्यूड पार्ट है 10 किलोमीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप स्कूल गए तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गए तो +5, और वापस आए तो निगेटिव हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसका मतलब निगेटिव -5। रिजल्टेंट कितना हुआ? +5 -5 0। तो वेक्टर सम में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो ये ध्यान देने की चीज है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो होता है वो डायरेक्शन के साथ होता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए कहा जाता है फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। अब आप कितना भी मोशन किए हो मुझे इससे मतलब नहीं है, फाइनल और इनिशियल के बीच की पोजिशन ही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। डिस्टेंस में हमें वेक्टर की क्वांटिटी जरूरत नहीं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि आप घर से चले स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आ गए, लेकिन मैं आपसे पूछूं 12 बजे आप कहां थे, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस पोजीशन, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाया। तो एग्जैक्टली टाइम टी पे जो वैल्यू जो आपकी पोजीशन होगी, एग्जैक्टली पॉइंट टी पे जो आपकी पोजीशन है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन। तो ये तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं इसके साथ दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी एंड स्पीड, सेम चीज अगेन। देखिए स्पीड, ये स्पीड अगेन स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस से आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिराइव होती है कहां से? डिस्प्लेसमेंट से। आपको डिस्टेंस पता हो तो आप वेलोसिटी कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, निकलेगा ही नहीं। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। लेकिन अगर वेलोसिटी पता तो स्पीड भी पता चल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बशर्ते कि डायरेक्शन ना बदला हो, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा वेलोसिटी का कांसेप्ट समझा दूं। अब जो वेलोसिटी आप कहते हैं तो वेलोसिटी सिंपली हम जो आप कहते हैं तो दो तरीके से हम वेलोसिटी एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है आपका कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टाइम डिफरेंस कितना हुआ, ठीक है। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, हुआ ना, आप 3 घंटे के अंतराल में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज किए वही आपकी वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। या और दूसरा फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए दोनों का डिफिनेशन में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? ये जो वेलोसिटी कहलाती है वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। टाइम इंटरवल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। ये क्या कहलाता है? ये जो वी है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये एग्जैक्टली जो आप वी, आपका वी आएगा, देखिए एक्स क्या है, निश्चित तौर पर आप टी के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स टी का फंक्शन होना चाहिए। तो जब एक्स टी का फंक्शन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टी के टर्म में आएगा, दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ सम टी, ठीक है। इसको समझिएगा, एक्स जो है टी के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो निश्चित तौर पर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी। जब किसी फंक्शन को टी के साथ डिफ्रेंशिएट करेगा, मान लीजिए देखिए मैं सिंपल मैथमेटिक्स देख रहा हूँ, 3t² + 2t है, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ टी के साथ तो क्या आएगा? 60 प्लस 2, टाइम का भी फंक्शन आया कि नहीं आया, तो मैंने वही कहा एफ टी,
अब जो ये वेलोसिटी है वो टी के टर्म में आएगा। मान लीजिए मैं इसी एग्जांपल को लेकर लिख दे रहा हूं 3t+2। अब t=1 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पता चल गया, ये t=1 पे कितनी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड या जो भी यूनिट होगा। t=2 पे कितनी होगी 8 यूनिट। तो ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, और ये जो आपके पूरे मोशन के दौरान की एवरेज वेलोसिटी बताती है। सिमिलरली आपके एक और कॉन्सेप्ट में बताता चलूं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, ये भी दो तरह, ये भी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन आप करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी एट माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, इसी को आप एवरेज एक्सीलरेशन कहते हैं या मीन एक्सीलरेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सीलरेशन इस तरीके से बताया जाए, वी अभी ऑलरेडी टी का फंक्शन होना चाहिए, अभी डिफरेंशिएट होगा तो वी इज अ फंक्शन ऑफ टी, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, टी का फंक्शन आ जाएगा। अब किसी टाइम टी पर आप एक्सीलरेशन अगर निकाल रहे हैं तो इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। अब प्रॉब्लम में आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझसे वो क्या मांग रहा है। अब ये फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई कर लेंगे, कहीं ऐसा नहीं चल सकता। प्रॉब्लम में आपको देखना पड़ेगा क्या वो आपने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मांग रहे हैं या एवरेज एक्सीलरेशन मांग रहे हैं। जब एवरेज एक्सीलरेशन मांगेंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मांगेंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ फोर्स आपके लॉ ऑफ मोशन के अंदर में, कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, उनका आप वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, और ये 3-4 बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हो गए, डिस्प्लेसमेंट पोजिशन और सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का। अब हम जो है लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे, जहां पर फोर्सेस के कारण बॉडी कैसे मूव करता है, हम इन पोर्शंस को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम वो स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।